21,000 करोड़ जीएसटी लाइबिलिटी। सर ये आपने कैसा ऑर्डर पास किया है, इतना तो हमारी कंपनी का रेवेन्यू भी नहीं है। क्या ऑर्डर है, मतलब जो आपके ऑनलाइन गेमिंग ऐप है जिसपे रमी और फैंटेसी लीग चलता है वो एक बेटिंग और गैम्बलिंग एक्टिविटी है। जीएसटी लॉ के अंदर बेटिंग और गैम्बलिंग एक्टिविटी पे जीएसटी एप्लीकेबल है जो आपने पे नहीं किया है, तो अब पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ 21,000 करोड़ भर दो। सर बट जो हमारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है रमी कल्चर एंड गेमजी, उस पर जो एक्टिविटीज हो रही है वो सर गेम ऑफ स्किल है ना कि गेम ऑफ चांस। और ये हम नहीं बोल रहे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में के सत्यनारायण जी के केस में ऑलरेडी डिक्लेयर किया है दैट रमी इज अ गेम ऑफ स्किल बिकॉज बिल्डिंग रमी रिक्वायर कॉम्पिटेंसी अनलाइक थ्री कार्ड गेम सच एज फ्लश विच इज अ गेम ऑफ चांस। सिमिलरली इंडियन हाई कोर्ट ने ड्रीम इलेवन के केस में डिक्लेयर किया है दैट प्लेइंग गेम्स ऑन ड्रीम इलेवन इज अ मियर गेम ऑफ स्किल बिकॉज आपको टीम बनाने के लिए कैप्टन चूज करने के लिए स्किल रिक्वायरमेंट है और आप ये टीम ड्यूरिंग द गेम चेंज भी नहीं कर सकते हो। तो सर आपका ये जो ऑर्डर है वो रॉन्ग है। ऑन 11th मई 2023 कर्नाटका हाईकोर्ट हैज हेल्ड दैट ऑनलाइन गेम सच एज रमी और एनी अदर गेम प्लेड ऑन गेम्स क्राफ्ट प्लेटफॉर्म इज नॉट अ बेटिंग एंड गैम्बलिंग एक्टिविटी एंड असेसी इज नॉट लायबल टू पे डिमांड रेस्ट ऑफ 21,000 करोड़।